मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर वन जो डिस्कस कर रहे हैं, पीरियड थ्योरी हम लोग डिस्कस किया था, सेक्शन टू में डिस्कस किया था, ब्रेकिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात किया थे, जो कि रिटर्न रूल से वाला, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और वो भारतीय संविधान में सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, उनके बारे में जाना था, ठीक है। चलिए उसी के आगे हम नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए और इनके टॉपिक का हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले टॉपिक है नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको महसूस किया गया कि हमारे संविधान होने चाहिए, दूसरे विकसित होने चाहिए भविष्य के लिए, ठीक है, जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इन्होंने महसूस किया 1934 में, ठीक है, स्थापना 1885 में हुआ और इन्होंने महसूस किया 1934 में, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। आगे बात करें और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनकी बात करें, ठीक है, तो 11 दिसंबर, ठीक है, 1946, ठीक है, इनको परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। साथ ही बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दौरान बात करें संवैधानिक सभा, तो ये पीपुल्स, ये एक प्रकार का असेंबली था, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, असेंबली ऑफ पीपुल रिप्रेजेंटेटिव हु राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री, किसी देश के लिए संविधान लिखने वाले इलेक्टेड पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके अंदर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिनको चेयरमैन बनाया गया, परमानेंट चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। इनके अनुरूप और भी क्या इंपॉर्टेंट बात है उनको हम लोग जानते हैं।
तो बहुत सारी जगह इन्फॉर्मेशन है जो चेयरमैन और बाकी कमेटी को कहा गया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी के बारे में, ठीक है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1712 में इनको शासन कहा जाता है और काफी मुख्य रोल थे सोशली, ठीक है, सोशली सामाजिक रूप से रिवॉल्यूशनरी थे, थिंकर थे, साथ साथ जो कास्ट बेस्ड हमारे समाज में जातिवाद डिविजन था उस समय और जो असमानताएं थी, ठीक है, उनके बारे में काफी मुख्य रूप से संविधान में व्यक्त किया और पूर्ण रूप से उनको ताकि भविष्य में कास्ट बेस्ड डिविजन ना हो, असमानताएं ना हो समाज में, उनके मुख्य रूपों को दिमाग में रखते हुए संशोधन करते हुए उन्होंने काफी बेहतरीन कानून हमारे SC ST OBC जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो समाज में बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जो काफी पीछे हैं उनके लिए काफी प्रमुख रूप से, ठीक है, सुविधा मुहैया कराई है काफी प्रोविजन है संविधान में, ठीक है। तो साथ साथ बात करें तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे, प्रथम कानून मंत्री थे। ये कुछ मुख्य बात थी नीफो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब सीधे रूप से कुछ और मुख्य पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। Thank you.
रिलीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, ठीक है, विभिन्न बात करें भाषाओं के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, तो काफी भारत एक विशाल देश है। और उस विशाल देश में बहुत जरूरी है कि एक विश्वास, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन, एक संबंध, ठीक है, बना रहे डिफरेंट जो लोग है हमारे कल्चर रिलीजन के, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को विश्वास करें, काफी इंपॉर्टेंट है। और संविधान सबसे पहले यही इंश्योर करता है कि एक संबंध को स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन को स्थापित करता है, एक रिलेशन को स्थापित करता है, एक विश्वास को स्थापित करता है इन सभी डिफरेंट लोगों के बीच में जो भारत देश में है, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पर हम उठ करते हैं, हाउ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, यानी सरकार किस तरीके से बनेगी, ठीक है, और पावर जो सरकार की जो पावर होगी किन रूपों में होगी, किनके पास होगी, ठीक है, क्या कोई सिंगल गवर्नमेंट बॉडी होगा, उनके हाथ में होगा, या बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज होंगे, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कवर करेंगे, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि किन किन रूपों में संविधान ने, ठीक है, पावर को बंटवारा किया है, ठीक है, शक्ति को नियंत्रित किया, क्या कोई सिंगल गवर्नमेंट बॉडी उनके पास पावर या उनके अलावा किसी का पावर है, तो ये बताता है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से फॉर्म करेगी और किस हिसाब से पावर का यूटिलाइज करेगी। आगे शासन बात करें, ठीक है, तो यहां पर बात करें यह साथ साथ इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स, ठीक है, ठीक है, एंड इज डन, जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है उनके पावर को, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं संविधान में सरकार को, तो वो सुनिश्चित करता है संविधान, ठीक है, काफी जरूरी है संविधान को, ठीक है, संविधान सुनिश्चित करता है कि जो सरकार है उनको जो पावर दिए गए हैं बस उसी रूप में यूटिलाइज करे, उनसे ज्यादा यूटिलाइज ना करे, ठीक है, और साथ साथ इंश्योर ये भी करते हैं कि जो भी सिटीजन है, ठीक है, जो भी भारतीय सिटीजन है सरकार, ठीक है, उनके जो भी राइट्स है सिटीजन्स के, जो भी राइट्स है, ठीक है, उनको पूर्ण रूप से उनको दे, सिटीजन्स के राइट्स को दे, साथ साथ उनके जो फ्रीडम है, ठीक है, उनको भी सुनिश्चित करे, उनके फ्रीडम और राइट्स में कोई, ठीक है, वो वायलेशन ना करे, उल्लंघन ना करे, साथ साथ बात करे, और अंतिम बात करे तो संविधान इंश्योर करता है गुड सोसाइटी, नेचुरल सोसाइटी, ठीक है, क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो इस हिसाब से पावर दिए गए हैं, इस हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि एक अच्छा समाज बने, ठीक है, जो कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, और साथ में सुनिश्चित करता है बहुत सारी बातों को कि सरकार किस तरह से फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, साथ साथ ये बताता है हमें, ठीक है, कि जो पावर होंगे सरकार को कितना सीमित है, किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, साथ साथ जो सिटीजन है, जो भारतीय नागरिक है उनके क्या अधिकार है, जिस तरह की राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, बहुत सारे हैं। आगे साथ साथ उनके जो भी जो राइट्स के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो भी फ्रीडम आते हैं, ठीक है, उनको सुनिश्चित करे कि वो उनका गलत उपयोग ना करे, और साथ साथ ये भी जरूरी है संविधान में इस रूप से भी जरूरी है एक सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए सरकार जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिनको पर हमने डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, ठीक है, आप उनको सॉल्व करें।